Good evening, ma'am. Good evening, sir. Yes, Payal, very good evening. Ma'am, I have qualified NL with All India Rank 49. So thank you so much. Okay, congratulations. All the very best. Ma'am, मैं आपकी तरह अपना special class लेना है specially. और मैम आपको टीचिंग पाठशाला से भी रेगुलरली फॉलो करती हूँ. Okay. मैम आपकी प्लांट फिजियोलॉजी और सर की जो है बायोकेमिस्ट्री ने मुझे बहुत हेल्प किया. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सर. ओके, बायोकेमिस्ट्री ने बहुत हेल्प किया. अच्छी बात है. कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट पिंकी. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. जी गुड इवनिंग. हाँ जी पिंकी जी बोलिए. मैम मैं उत्तराखंड से हूँ और मैम मैंने आपके अनअकैडमी की सेशन तो नहीं देखा है उसमें, लेकिन मैंने आप लोगों से यूट्यूब से पढ़ा है CSIR बच्चे मैंने, और आपसे और वीरेंद्र सर से दोनों से, और सर को मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरा ना एग्जाम टाइम में पैनिक लेवल बहुत हाई हो जाता था. प्रकाश सर ने जो एग्जाम है मोटिवेशनल वीडियो बनाई एग्जाम के लिए, वो बहुत हेल्पफुल रही है. तो थैंक यू सो मच सर और थैंक यू सो मच मैम. ऑल द वेरी बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस. ओके मैम, मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है 127 रैंक के साथ. ओके, बहुत बहुत बधाई. कांग्रेचुलेशंस. जिंगल बेल जिंगल बेल. सीएसआईआर हो गया ढेर. ठीक है, नेक्स्ट. कांग्रेचुलेशंस पिंकी एंड ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट पूजा रानी. हेलो सर. हेलो मैम. हेलो. हेलो पूजा जी, मैंने इस बार एलएस 96 रैंक पे क्लियर किया है और आप दोनों के लोग मुझे बहुत हेल्प किया मेरा बेसिक क्लियर करने में. और जब फिर मैं ये सेशन हुआ था तो मेरा बहुत मन था कि मैं क्वालिफाई करूँ और ये सेशन को ज्वाइन करूँ, और इस बार एलएस में हुआ. लेकिन आगे जो एग्जाम होगा मैं क्वालिफाई करके फिर से ज्वाइन करूंगी इस सेशन को. बिल्कुल बिल्कुल. ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट. बहुत-बहुत बधाई. एटीट्यूड अच्छा है, बिल्कुल क्वालिफाई करिए. नेक्स्ट प्रीति प्रागण्य. हेलो सर. हेलो मैम. हेलो हेलो. थैंक यू सो मच आप दोनों की वजह से मेरा सारा क्लियर हो गया. मैंने पहली बार किसी ऑल इंडिया लेवल एग्जाम को क्वालिफाई किया है इस बार, तो आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू दिल से. मैंने कभी लाइव सेशन अटेंड नहीं किया क्योंकि क्लासेस रहते थे एमएससी के, तो मैंने हमेशा रिकॉर्डेड वीडियो को स्विच किया था. वहाँ से देखती थी, कभी कभी सोचती थी कि डाउट क्लियरिंग सेशन में कभी बात हो पाए पर नहीं हो पाती थी, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है ये सेशन. आप लोगों को दिल से बहुत बहुत थैंक यू. और सर मैम मैं उड़ीसा से हूँ, तो आप दोनों को जरूर इनवाइट करूंगी, कभी आप आइएगा तो प्लीज जरूर आइएगा जगन्नाथ धाम पूरी देखने के लिए. बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस प्रीति एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. नेक्स्ट रवि शंकर. यस सर. Sir, I am from West Bengal. Sir, really thank you and Jyoti ma'am. I have class CSIR with All India Rank 262. Okay. Sir, I want to say you that I literally nailed biochemistry and fundamental part just because of you, sir. You are my idol, sir. Hopefully, I will follow your footprints, sir, in my future. That's a huge word for me, but I want to say. Literally, sir, I am thinking like PhD in protein chemistry, sir. Just because you, sir. It is my mindset is really changed, and I am now enjoying biochemistry. That's really interesting to listen, and I want to say that one particular thing: be the first version of yourself rather than being the second version of anyone. तो मैं चाहूँगा कि आप रवि शंकर बने rather than वीरेंद्र सिंह के फुटप्रिंट पे चलने के बजाय. एंड दैट्स नाइस टू लाइक लेसन कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं. ग्रेट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. नेक्स्ट रचना सिंह. अरे जरा सा फटाफट फटाफट करिएगा तो। हाँ कीप इट शॉर्ट। हेलो हाँ हेलो जी रचना जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं तो पहले ही जीआरएफ कर चुकी थी बट मुझसे आ नहीं गया तो मैं भी आ गई थी। आप दोनों से बात कर दे और पहले से जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ। आप ही से किया था मैंने और ये खेत मूली वाला काम तुम कर चुके हैं पहले ही। अब तो खाली मजे लेने आए थे यहाँ पे। पर पहले मैं कुछ चुपचाप आऊंगी और चली जाऊंगी लेकिन सब लोग बात कर रहे थे तो मन किया तो मैंने भी अपना हाथ ऊपर कर लिया कि मैं अभी हूँ अभी। एक्चुअली मैं यहाँ लखनऊ के पास में हूँ पर उस टाइम पे मैं आ नहीं पाई थी, मेरी हेल्थ सही नहीं थी। सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के उस पर ज्वाइन हूँ और मैं बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो पूरे यूनिवर्सिटी में सब कहते कैसे कैसे पढ़ाते हो तुम इतना अच्छा। मैं बोले यार टैलेंट है, हमारे गुरु ने सिखाया है। सर एक टाइम पे मैंने छोड़ा था मतलब कुछ सब्जेक्ट पढ़ाना तो पूरी फैकल्टी मतलब हमारे यहाँ के बच्चे कहते हम किसी से पढ़ेंगे ही नहीं, दोबारा उसी में हमको थोड़ी पड़ेंगे। मैं बोली टेंशन ना लो, अनअकैडमी पे जाओ, है एक इंसान जो हमसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, उधर जाके पढ़ो उनसे आराम से। आप गौतम गंभीर की फैमिली से बिलोंग तो नहीं करते ना? आपका चेहरा गौतम गंभीर से मिलता जुलता है। नहीं सर मैं तो सिर्फ वीरेंद्र सिंह को ही जानती हूँ और उन्हीं की कॉमेडी भी करती हूँ और उन्हीं की जैसा पढ़ाती हूँ, कोशिश करती हूँ। सर आपने इतने अच्छे से पढ़ाया कि अच्छा पढ़ा लेते हो। डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो अभी भूली ही नहीं है। ओके कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट रचना। एंड नेक्स्ट राइला अख्तर। हेलो सर। हेलो मैम। मैम मेरा राहिला है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। मेरा 265 रैंक है और मेरा जीआरएफ हो गया। मैंने सिर्फ 4 मंथ में पढ़ा था, उससे पहले मेरी एमएससी थी। और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ही मेरा इतनी जल्दी हो पाया है। और सर आपको पता है मैंने कभी लाइव क्लास नहीं अटेंड किया, मैं रिकॉर्डिंग से पढ़ती थी। पर जिस दिन आप डांटते थे मुझे लगता था आपने मुझे डांटा है, और फिर मैं उस दिन पूरी रात बैठ के बोलती मुझे आज तो डांट पड़ी, आज अच्छे से पढ़ना है। तो रिकॉर्डिंग में भी लाइव फीलिंग आ रही है, ये तो कमाल हो गया है। यस सर। ओके ग्रेट, अच्छा है, ऑल द बेस्ट। क्या बना रखा है अपने बच्चों के बीच में, इतनी तारीफ इतनी। यस सर। सर आप ना वर्ल्ड के बेस्ट टीचर और मैम आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर आप पढ़ने में ऐसे लगता था कि पढ़ती जाऊँ खत्म ही ना हो ये लेक्चर। ये तो बहुत बधाइयाँ। बटर लाइट चल रहा है बट ठीक है। Congratulations and all the best. Thank you so much for nice words. Thank you so much. Okay. Next, Rashi Singh. Sir, ma'am, thank you so much. मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी अपनी टर्न का कि मैं बोलूँ कुछ बोलूँ सको। सर पता है मेरा लास्ट टाइम भी नेट एलएस क्वालिफाई हो गया था आप दोनों की वजह से, पर मैं कभी बात नहीं कर पाई ना। लाइव सेशन में भी मैं ज्यादा कमेंट वगैरह नहीं करती थी ऐसे चैट बॉक्स में भी। और सर इस बार बस आप दोनों को बहुत 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 ज्यादा थैंक यू। आप दोनों की वजह से सच में इस बार मेरा 117 रैंक आई है जीआरएफ में। मजा आ गया सबके आगे। कांग्रेचुलेशंस राशि एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट रोशनी मिश्रा। अरे सर अब तो पूरी क्लास ही रोशन हो जाएगी। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो जी रोशनी जी। हेलो। और आप आज तो आप मिस नहीं करते ना हमें? नो मैम। मैम मेरा लास्ट टाइम फेब्रुअरी 1st था, उस टाइम से मेरा एलएस क्वालिफाई हुआ था और जेआरएफ मेरा 0.1 से रह गया था और इस बार मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया 129 रैंक में। और आप दोनों के क्लास में हमेशा करती हूँ, थैंक यू सो मच आप दोनों को। Congratulations. मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट जैसी थी, उतना मतलब पहले से टैलेंटेड उतना नहीं था, और मैं ऐसे उड़ीसा से हूँ लेकिन रहते हैं बंगाल में, तो मेरा ग्रेजुएशन वगैरह सब बंगाल से ही हुआ है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से मेरा बेसिक पूरा एकदम कुछ नहीं आता था, जैसे जैसे रट्टा मार के मतलब किया था क्वालिफाई। तो एक टाइम तो ऐसा था कि मतलब कुछ टीचर्स या दोस्त लोग भी बोलते थे कि तुमसे ये फील्ड नहीं होगा, छोड़ दो, बैंकिंग वगैरह कर लो या कुछ और कर लो, ये तो नहीं होगा। तो तब थोड़ा सा लगा था अब तो करके दिखाना है लोग को, ऐसे कैसे बोल दिया। फिर जब मैंने लॉकडाउन में आप लोग का क्लास ज्वाइन किया अनअकैडमी, तो उस टाइम पे तो सब बंद था और एमएससी भी मेरा लास्ट ईयर ही क्वालिफाई हुआ, तो सोचा लॉकडाउन है अभी क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। तब मतलब जब मैं आप लोग का क्लास की ना, लगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये क्या पढ़ा रहे, इतना बेसिक तो मेरा कभी क्लियर ही नहीं हुआ था, मतलब मेरा नीचे से ऊपर उठा दिया आप दोनों ने, और मतलब बहुत कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। थैंक यू सो मच आप दोनों के लिए। कांग्रेचुलेशंस रोशनी, अपनी जिंदगी में रोशनी करते रहे और दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी करते रहे। हमारे पास टाइम शॉर्टेज है तो कृपया कीप इट शॉर्ट। सॉरी टू से दैट। सर लास्ट टाइम सर अभी तक हम हमेशा मेरा नाम बोल रहे थे, पता नहीं ये वही रास्ता है आप लोग की लाइफ में अंधेरा करना। और जो क्वालिफाई हुआ आप लोगों ने, इन्होंने सच में अपनी लाइफ में रोशन कर दिया। दीपक तले अंधेरा होता है ना, तो दूध जमा, कभी कभी कहते हैं कि दीपक वही होता है जो जमाना रोशन करता है अंधेरे को छुपा के। तो ग्रेट एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट साक्षी वाधवा। हेलो सर। हेलो मैम। आप बहुत अमीर होंगी ना? नहीं, ऐसे टाइटल लोग रखते ना, वाधवा, जैसे रणवीर वाधवा, राजगीर, ऐसे नाम सुनते लगता है भाई सब करोड़पति लोग हैं। नहीं ओके सर, इस बार मैं एलएस हुआ है, अगर मैंने 6 यूनिट ही पढ़ी थी, पूरा पढ़ नहीं पाई मैं, आगे जेआरएफ के लिए ट्राई करेंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल आपको करना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। ऑल द बेस्ट फॉर जेआरएफ एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट सम्राट। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो मैम। हेलो सर। फाइन फाइन फाइन। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? दोनों एक मिनट। सम्राट कलिता भी बात करें, शिव सम्राट भी बात करें। हाँ, शिव सम्राट रुक जाइएगा, आपका इसके बाद है सर। ओके सर। हाँ सम्राट बोलिए। सम्राट, यू आर नॉट ऑडिबल। आप हेडफोन की जगह शायद अगर वो डिस्कनेक्ट करके फोन या लैपटॉप का माइक यूज करें तो मे बी कभी कभी होता है। नहीं, आवाज आपकी नहीं आ रही है, एक बार आप चेक कर लो माइक। यू आर नॉट ऑडिबल सम्राट कालिता। यू आर नॉट ऑडिबल, प्लीज ट्राई टू टर्न ऑन योर माइक। आपका माइक अभी ऑफ है। किसी को ऑडिबल है क्या, या मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा? यू आर नॉट ऑडिबल। आप एक बार अपना माइक का जो रिसोर्स है ना, सेटिंग में जाके आप जो है माइक की जो रिसोर्सेज है वो चेक कर लो कि कौन सा आप सेटअप यूज कर रहे हो, डिफॉल्ट यूज कर रहे हो या जो। तो मे बी शिव सम्राट तब तक आप बोलिए, तो वो अपना कोशिश कर रहे हैं। हेलो मैम। हाय सर। हेलो। हेलो सम्राट जी। जी मैम, कैसे हैं मैम आप? हम लोग एकदम बढ़िया हैं सर। आप? फैंटास्टिक सर। आज एक्चुअली मुझे खुशी जितनी नहीं है उससे ज़्यादा कंप्लीट फील हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि मेरा एक्चुअली नेट 2022 फरवरी वाला क्लियर है, और उस टाइम जो मीटअप हुआ था मैं वहाँ पे, मतलब मुझे एक्चुअली वो लिंक नहीं मिला, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। और आज लकीली शायद मैंने लिंक देखा और जुड़ा, तो इसलिए मुझे कंप्लीट फील हो रहा है। और इसलिए भी खुशी मतलब डबल हो गई है आप लोगों से मिलके, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2021 गेट का एक कोर्स लॉन्च किया था आप लोगों ने, उस टाइम मेरा क्लियर हुआ था, और मैंने उसी टाइम, वो मेरा फर्स्ट मीटअप था, तब मैं मिला था आपसे। तब मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी तो मिला हूँ और मैं अपना नेट क्लियर करके अगली बार आपसे जरूर मिलूंगा। तो मेरा नेट क्लियर हुआ, पर अनलकीली मैं मीटअप में नहीं आ पाया। तो आज आया हूँ, इसीलिए मुझे कंप्लीट फील हो रहा है और बहुत खुशी है। अभी एक्चुअली मेरा जो नेट क्लियर हुआ और जेआरएफ हुआ एंड ऑल इंडिया रैंक 85 था मेरा। एंड अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जूलॉजी डिपार्टमेंट में पीएचडी स्कॉलर हूँ। तो एक्चुअली खुशी बहुत है मुझे और मेरी इस खुशी में सबसे बड़ा योगदान मैम का रहा है और थोड़ा सा सर का भी रहा है। तो सर का कम है, पर एक चीज है कहूंगा कि सर मैंने शायद मैं लकी हूँ कि जितनी भी बार मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया है, शायद मैंने कम ही क्लास ज्वाइन किया है, पर इतना लकी हूँ कि जिस बार मैंने ज्वाइन किया उसी क्लास में सर कुछ मोटिवेशनल स्पीच दिए हैं और वो मुझे पता नहीं क्यों मुझे एक टाइप ऑफ सपोर्ट मिला है मुझे मेरे इस जर्नी में। और मैम आपके बारे में क्या ही कहूँ। और शायद आप वो टीचर है मेरे लिए जो मैंने कभी अपने लिए ढूंढा था और मुझे आप मिली तो बहुत लेट मिली, लेकिन जब भी मिली सही टाइम पे मिली और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ। इसके पीछे आपका बहुत बड़ा पार्ट है। और अभी कहने को बहुत कुछ है पर अभी इतना याद नहीं आ रहा है। और मैम मैंने कंग्रेचुलेशंस आपके शादी के लिए और 100K सब्सक्राइबर्स के लिए यूट्यूब के लिए। और पता है मैम, जैसे सर आपको सुने होंगे कि सफलता के बहुत मित्र होते हैं और नाकामयाबी का कोई नहीं होता। तो वैसे ही ना मैं एक्चुअली एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरे थ्रू आउट द प्रोसेस में स्टार्टिंग से तो टीचर्स और दोस्त लोग भी थोड़ा वो मतलब उतने बिलीव नहीं करते थे, कि ट्रस्ट नहीं करते थे कि ये नहीं कर पाएगा। और तो अभी वो लोग खुद सरप्राइज और शॉक्ड हैं कि इसने कैसे कर लिया। तो कहीं ना कहीं मैं खुद पे थोड़ा प्राउड फील करता हूँ। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे सफलता के मित्र होते जरूर हैं, लेकिन सफलता के वो क्या कहते हैं उसको जलने वाले भी बहुत होते हैं। तो एक्चुअली जैसे पिछले बार गेट क्लियर हुआ था उसके बाद सही सर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कहा आप बोलते रहिए। ओके सर, तो एक्चुअली जैसे पिछली बार गेट क्लियर हुआ था उसके बाद काफी टाइम लग गया, काफी टाइम नहीं, उसके बाद एग्जाम भी तो नहीं हुआ कोविड के चलते, तो काफी टाइम में हुआ नेट एग्जाम। तो इसी बीच ना मैं करता था और ऐसे बहुत से दोस्त भी ऐसे हैं जो लोग ये बोलते थे कि क्या हुआ, क्या कर लिया गेट निकाल के, रेडी घर पे ही बैठा है। पर फिर भी एट दी एंड पेशेंस रखा मैंने और ये क्लियर हुआ और अभी मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो मैं अपने अभी भी यहाँ पे जो लोग इतने लोग हैं जिनका जेआरएफ हो चुका है उनको ये कहूंगा कि अगर आपको पीएचडी करना है तो अभी चाहे आपका इंटरव्यू अगले 1 महीने में है, 3 महीने में या फिर 6 महीने में, आपको लाइटली नहीं लेना है। आपको अपना रिवीजन कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो अपने मनपसंद की किसी इंस्टीट्यूट, IIT हो या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां जाने का, तो आपको करना पड़ेगा। नहीं तो वैसे भी जेआरएफ है आपका कहीं ना कहीं होना ही है, लेकिन अगर आप अपने मनपसंद के इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो तो अपना प्रिपरेशन जो रिवीजन है उसको कंटिन्यू करो। और जिनका नहीं हुआ है कंसिस्टेंट रहो और होना तो निश्चित है आप लोगों का। और बस सर और क्या कहूँ, अभी बहुत कुछ पर याद नहीं आ रहा है। और वैसे छोड़ने वाला है क्या पीएचडी? सॉरी नहीं, मैं नहीं सर छोड़ने वाला हूँ। Okay, all the best for your career shift Samrat and thank you so much for nice motivation। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब मैं इंटरव्यू की तैयारी जो लगा रहूंगा, रिवीजन बरकरार रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ माइक बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो मैं नाम ले रहा हूँ उसी के हिसाब से आप प्रोसीड करेंगे। And then सम्राट को इनवाइट कर लीजिए सर, उनका शायद माइक ऑन है। हाँ सम्राट बोलिए। Am I audible? हाँ am I audible? Yeah yeah. Now you are audible. Good evening sir, good evening ma'am. Thank you so much for everything. I qualified JRF with All India Rank 63. Actually I already आप दोनों को मैंने एक लंबा सा पैराग्राफ लिख के सेंड किया है। आप और वीरेंद्र सर ने सिर्फ एक वर्ड में रिप्लाई दिया है, कांग्रेस। थैंक यू। आप लोगों के बिना ये नहीं होता। मैम सीरियसली बोल रहा हूँ, लाइक मेरा एकदम कॉन्सेप्ट बहुत बिगड़ा हुआ था, बट लाइक एक साल में मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट होके लाइक अभी ठीक हुआ, लाइक जेआरएफ हो गया फाइनली, लाइक थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन सम्राट। एक्चुअली क्या है कि अब ऐसा मत सोचेगा कि मैं लड़कियों को पैराग्राफ रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचेंगे आपकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सभी को मेरा नेचर ये वो है कि हाँ ठीक है अच्छी बात है, क्वालिफाई कर लिया, अब आगे के जो है चीजों पे लग जाइए। क्या होता है ना कि एक अच्छा गुरु ये होता है कि ज्यादा तारीफ नहीं करता, नहीं तो सर पे चढ़ जाता है स्टूडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट में ना जाए। तो मैं इतना ही करता हूँ कि वो अभी उसको पता चले कि अभी जिंदगी में और स्ट्रगल बाकी है, ठीक है। ओके चलो ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट, प्लीज कीप इट शॉर्ट, मेरे पास जो है समय की थोड़ी शॉर्टेज है, आई हैव अनदर सेशन, सो जितने लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ आप थोड़ा सा शॉर्ट रखिए। और जितने लोग लाइक शिल्पी सिंधु हैं, आप बोलना चाहती मैम? ओके, शिवानी शर्मा, ये तो पिछली बार भी जुड़ चुकी हैं। हाँ जी बताइए। हेलो सर, आई एम ऑडिबल? थैंक यू सर, थैंक यू। माय गॉड सर, जेआरएफ 189 रैंक। और सर मैंने आपको भी और मैम को भी बड़ा बड़ा पैराग्राफ मैसेज किया, एंड मैम ने लिखा कांग्रेचुलेशन, प्राउड ऑफ यू, एंड सर आल्सो रिप्लाइड कांग्रेचुलेशन। एंड और सर पहली बात ये कि थैंकफुली मेरा नाम आ गया। हम घर में सबको बोल रहे हैं कि एस से कौन नाम रखा है, मेरा तब से आ ही नहीं रहा मेरा नाम। और फाइनली ये भी ड्रीम पूरा हुआ, क्योंकि 2 बार से मैं यूट्यूब पे ये चार्ट देखा है सर, और फाइनली आई गॉट द चांस टू बी इन इट, एंड थैंक यू सो मच। और मैम आपको तो मैंने मैसेज भी किया था कि जो भी एग्जाम में आंसर्स आ रहे थे वो लिटरली आपकी आवाज में आ रहे थे, एंड क्या बोले। और थैंक यू सर, क्लास ऑफ जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री सबको पढ़ा, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट, सौरभ सिंह। हेलो सर। हेलो मैम, मैं ऑडिबल सर? हाँ जी ऑडिबल। सर मैं झारखंड से हूँ, मैंने एलएस क्वालिफाई करा 118 रैंक। तो मैं छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। सर प्रीवियस ईयर दिसंबर में मैं मास्टर्स मैंने कंप्लीट करा, फिर मैंने सोचा कि नेट की तैयारी करता हूँ। तो फिर घर का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं था उस टाइम, तो मेरे दोस्तों और भैया से पता चला कि वीरेंद्र सर और ज्योति मैम के नाम के 2 टीचर थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने कुछ फ्री लेक्चर्स देखे आपके, तो फिर मैंने जैसे तैसे पैसे जमा करके और मैंने सब्सक्रिप्शन लिया जनवरी को, और फिर मैंने घर पे किसी को नहीं बताया। और मेरे एक भैया भी क्लास कर रहे थे, लाइव क्लासेस करते थे, तो उनके घर से मैं ज्वाइन नहीं करता था कि किसको पता न चले कि मैंने पैसे जमा करके और क्लासेस लिए हैं और मैं कर रहा हूँ। तो मैं रिकॉर्डिंग वीडियो देखता था। फिर जब मेरा क्वालिफाई हुआ तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, तो मैंने दादाजी को बताया कि दादाजी मेरा एल हुआ है और मैंने ऐसे ऐसे पैसे अरेंज करे और मैंने लिया। तो दादाजी तो पहले थोड़ा सा इमोशनल हुआ, फिर उन्होंने बोला कि आपको अगर आगे जरूरत पड़ती है, जेआरएफ में अगर आपको लगता है कि आपका नहीं हो पाया और आपको और सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, तो मैं इंश्योर करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच मैम, सो मच सर, कांग्रेचुलेशंस सौरभ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई विश कि आप अगली बार जेआरएफ क्वालिफाई करें एंड आप अपने सपने को पूरा करें। नेक्स्ट, श्रुति राज। थैंक यू सो मच सर। ओके, श्यामिला, श्याम मालिमा। हाँ जी। हेलो सर। हेलो सर। हेलो मैम। यस। सर मैं आसाम से हूँ एंड आई हैव क्वालिफाइड सीएसआई जेआरएफ विद ऑल इंडिया रैंक 72। सर मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि जब मैं एग्जाम देके एग्जाम सेंटर से बाहर आई तो मुझे बहुत चिल्लाने का मन किया और आप दोनों से पूछने का मन किया कि क्या आप लोग अपना नोट सीएसआई वालों को भेजते हो, क्योंकि एक लाइन कुछ अलग से नहीं आया। बस मैं पूरा आप दोनों का पीडीएफ A to Z पढ़ के गई और कुछ अलग नहीं पढ़ा मैंने, बार बार रिविजन किया और मैं इतना खुश थी एग्जाम मतलब क्लिक करते वक्त कि हाँ ये भी आता है ये भी आता है, तो मैं बहुत खुश थी सर, एंड ऑल क्रेडिट गोस टू यू टू, एंड बहुत भी वेट किया मैंने, फाइनली दिस मोमेंट हैज कम एंड आई एम सो थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू सर। कांग्रेचुलेशंस, ये भी आ गया, ये भी आ गया, नंबर भी आ गया, बोल भी लिया, अब तो खुशी भी हो गई, अब तो मजा आ गया। ओके कांग्रेचुलेशन। हाँ सर मजा आ गया। ओके नेक्स्ट सिल्का दास, कांग्रेचुलेशन। सिमरन इंदौरिया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैंने जेआरएफ क्लियर किया विद ऑल इंडिया रैंक 231 एंड मैम को तो मैं टेक्निक पाठशाला से फॉलो करती आ रही हूँ। उन्हीं को देख के मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया और कल से अनअकैडमी पहली बार पढ़ा बायोकैम, तो फर्स्ट क्लास देखी कुछ समझ में नहीं आया, दूसरी बार देखा तब भी समझ नहीं आया, फिर ऐसे लगा कि बायोकैम छोड़नी पड़ेगी फ्यू डेट। और मैंने सोचा कि नहीं, फिर मैंने रिव्यू मतलब बच्चे जैसे क्लास में बोलते थे कि बायोकैम कौन अच्छा पढ़ाता है तो बोलते थे वीरेंद्र सिंह सर, फिर मैंने सोच लिया कि बायोकैम पढ़नी है तो सर सिर्फ सर से पढ़नी है वरना नहीं पढ़नी। फिर मैंने ट्राई किया समझने का, 2-3 बार वीडियो देखी, फिर आपका ऐसा हुआ कि मैंने आपसे फिर 4 यूनिट एक साथ पढ़ ली, इतना ज्यादा समझ में आने लगा। मैंने मॉल वाइज भी आपसे पढ़ ली, जेनेटिक्स भी, टेक्निक्स भी, तो बहुत अच्छा लगा परीक्षा आपसे सर। और मैंने आपको मैसेज भी किया था इंस्टा पे, कांग्रेचुलेशन, या आपने रिप्लाई भी किया था और आप सही बोल रहे हो, लड़कियों का पैराग्राफ में नहीं करते, मेरे से भी कांग्रेचुलेशन ही बोला। ओके ग्रेट, चलिए क्लैरिफिकेशन के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सितांशु एंड कांग्रेचुलेशन सिमरन। सितांशु तो पुराने हैं। हाँ हाँ याद है, याद है, याद है सर। बहुत ऐसे कुछ 2020 से मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया, स्टोरीज, बैक स्टोरीज, इंडियन आइडल वाली कहानी भी बता दी, सुन लिए। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, तो यही बात, एक ही बात बोलना चाहूँ कि सर एलएस हुआ है मेरा इस बार कि 106 रैंक हुआ है, तो सर एलएस क्लियर करने में आधा गगन हो गए हम, और पता नहीं जीआरएफ क्लियर करने में साथ में बाल बचेगा कि नहीं बचेगा। तो पता नहीं सर, जब शुरू किया था सब बहुत ऐसे बाल मतलब बाल थे, अभी चले गए। बहुत टेंशन भी होता है, बाल की वजह से भी टेंशन होता है, जीआरएफ होगा कि नहीं होगा उसका भी होता है। हाँ थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से ही हुआ है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट सितांशु फॉर योर जीआरएफ। हेलो 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 सर। हाँ जी, यस हेलो, आई एम ऑडिबल सर? यस यस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर एंड मैम। आज Hey guys, my name is Virendra Singh. If you want to crack CSIR, you just connect with India's largest learning platform. So yes, we are here. I am the Virendra Singh and I teach CSIR Life Science on an Academy platform. आप CSIR लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे मेरे साथ और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, जहां पे आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर। सो अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करिए, लॉगिन करिए और वहां से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को या तो प्लस या तो आइकॉनिक ले लीजिए, जिससे कि आपको क्या है कि बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे एजुकेटर्स मिलके आपके सपने को पूरा कराएंगे। तो जी हाँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ मेरे बारे में कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इसी के लिए जुड़ा हूँ। सो दिस इज मी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो उनमें से आई टीच CSIR लाइफ साइंस एंड मैं CSIR, DBT, GATE ये सब एग्जामिनेशंस क्वालिफाई कर चुका हूँ। आई एम द लीजेंड एजुकेटर इन दिस कैटेगरी इन द CSIR। माई PhD इज रनिंग फ्रॉम IIT BHU। आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन द BTech एज वेल एज इन द MTech। I was known for the interesting explanation and I was known for the trick master too. So I have guided more than 1000 qualified candidates. तो आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ के CSIR का सपना पूरा कर सकते हैं। साथ ही में अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी लेके आया है। प्लस में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें प्लस में मिलती हैं। इन सब के अलावा आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, जैसे स्टडी प्लानर है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, टेस्ट एनालिसिस एंड पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच आपको मिलता है। एक बार अगर कॉम्पेरेटिव बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और शेड्यूल्स मिलता ही मिलता है। आइकॉनिक में इन सब के अलावा जो है आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशंस एंड पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग भी मिलता है। सो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज करना चाहते हैं तो 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन 3, 6, 12 और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है CSIR के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और कोड जो है वो यूज कर सकते हैं वीरेन और वीरेन लाइव टू गेट द डिस्काउंट। सो प्लस क्लासेस जो कि मेरे स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको इस वीडियो में जुड़ा हूं, तो माई प्लस क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं 4th of जुलाई से। जी हाँ, 4th of जुलाई से जो है मेरे प्लस क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो जुड़िए इस 4th of जुलाई से दिसंबर बैच के लिए, जिसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 अभी स्टार्ट हो रहा है 4th of जुलाई से 5:30 और 8:30 PM पे, जो कि आप देख सकते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा कहाँ पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और सब्सक्राइब करने के बाद मेरी क्लासेस में जुड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं कई सारे स्पेशल क्लासेस भी लेता रहता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो अनअकैडमी के ऐप पे मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं और फ्री एक्सेस कर सकते हैं कई सारे कंटेंट्स को। साथ ही में अनअकैडमी के ऑफर्स जो है वो लेके आए गए हैं, तो कई सारे ऑफर्स अनअकैडमी के चलते रहते हैं। तो दीज आर द अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं CSIR को। ठीक है, कुछ ऑफर्स जो अनअकैडमी लेके आया है, उस ऑफर्स में से अनअकैडमी का 20% ऑफर जो है ये चल रहा है, और इस पर्टिकुलर ऑफर के ऊपर बात करें तो Unlock 20 में 30 जून तक वैलिड है। इस ऑफर का फायदा उठाइए, और अनअकैडमी लाइट का सब्सक्रिप्शन का भी फायदा आप उठा सकते हैं, तो अनअकैडमी लाइट के सब्सक्रिप्शन का भी जो है वो फायदा उठा सकते हैं। यूज करना आपको रेफरल कोड वीरेन लाइव टू गेट द डिस्काउंट। So thank you so much guys for watching. Let's crack it. Bye bye. If you want to join me on Telegram, अगर आप मेरे साथ Telegram पे जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, या Telegram चैनल पे जो है unacademy/वीरेन सिंह के साथ जुड़ सकते हैं, या सिर्फ आप वीरेन सिंह सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जुड़िए फॉर द नोट्स, फॉर द थिंग्स और फॉर द क्लासेस आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्री क्लासेस स्पेशल में, प्लस जो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।